नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज। भारत में कोरोना वायरस के नए मरीजों ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8380 नए केस मिले और 193 मरीजों की जान गई। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 182,142 हो गई। शुक्रवार को कोरोना के 7,964 नए केस मिले थे, जबकि 265 मरीजों की जान गई थी। कोरोना वायरस से महामारी के बीच कल यानी 1 जून 2020 से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल कार्ड धारकों को मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए राहत का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम मेहरबान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के 26 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार है। श्रीन करणपुर के गस्पे गुरुसर वार्ड नंबर 1 व 2 में शराब ठेका हटवाने की मांग को लेकर 9वें दिन भी मौलावासी धरने पर बैठे हैं। हालांकि मौसम काफी खराब चल रहा है, इसके बावजूद भी धरना स्थल पर अपनी मांग बनवाने को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। ठेके को हटाने के अलावा सहित कस्बे के कई गरीब बस्तियों में चल रहे अवैध शराब ठेकों को हटाने की मांग की जा रही है। धरना स्थल पर वार्ड पार्षद वीरपाल कौर, पौरपालिका चेयरमैन जुगल किशोर, छात्र संगठन के नेता सुनील मौर्या व एडवोकेट रोशन राठौड़ सहित अन्य मौजूद थे। शोपरा कसी के में कई महीनों में गर्मी से झुलस रहे लोगों को तथा फसलों के महीनों के अंत में बरसात होने से राहत मिली है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक जमकर मेघ बरसे, गलियों में पानी पानी हो गया व खेतों में खड़ी फसलों की भी प्यास बुझी। तेज तापमान के चलते फसल झुलस रही थी, वहीं लोगों को भी गर्मी की तपिश से राहत मिली। किसानों के अनुसार करीब 15 से 20 उंगल बरसात हुई, काफी देर तक खेतों में पानी खड़ा रहा। उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को फसलों में एक बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा। बीकानेर रेल मंडल द्वारा लॉकडाउन के कारण बंद किए गए यात्री आरक्षण केंद्रों में से बीकानेर मंडल 1 जून से 5 और आरक्षण केंद्र पुनः प्रारंभ कर रहा है। आरक्षण केंद्र लालगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर, मंडी, डब्बावाली और कोसली स्टेशनों पर एक बारी में आरक्षण कार्य किया जाएगा। जयपुर जिले के सांबर उपखंड मुख्यालय से जहां पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ पुलिसकर्मी कोविड 19 की पालना कराने के लिए बाजारों व गलियों मोहल्लों में जाकर समझाइश कर रहे हैं, वहीं व्यापारी व आम जनता कोविड 19 की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाने में लगी है। आज व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलते ही बाजारों में काफी मात्रा में भीड़ देखने को मिल गई। व्यापारी कोविड 19 की गाइडलाइन के साथ साथ धारा 144 का उल्लंघन करने की सूचना पर सांबर थाना प्रभारी पूर्णमल यादव में जाप्ते बाजारों में पहुंचे और लोगों से गाइडलाइन की पालना करने की भी समझाइश की। जालौर के सायला में पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी ने सायला क्षेत्र का दौरा कर मंगलवा, भुंडवा सहित विभिन्न गांवों में मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान देवासी ने मेटों से कार्यस्थल पर लगे टेंटों, पानी व सैनिटाइज पाउडर सहित विभिन्न सामग्री की भी जानकारी ली। कार्यस्थल पर श्रमिकों से चर्चा कर सोशल डिस्टेंसिंग कर रखकर कार्य करने को कहा। देवासी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस कोरोना महामारी संकट के समय हर घर तक रोजगार देने के लिए युद्ध स्तर पर मनरेगा कार्य कर जरूरतमंदों को लगाया गया है। जोधपुर के बिराई में कोरोना महामारी से हिंदुस्तान सहित विश्व भर में तबाही मचा रखी है। इससे अपना राजस्थान भी छूता नहीं। इस संकट की घड़ी में मीडिया का अपना खुद का वजूद होता है और मीडिया ने लोगों में जागृति पैदा करने के लिए जुनून से लड़ाई को लड़ा है। जोधपुर जिले के बावड़ी उपखंड का एक छोटा सा गांव बिराई के पत्रकार प्रेमाराम परिहार ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर महत्वपूर्ण योगदान किया। उप जिला कलेक्टर हेतराम चौहान ने कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया। सिरोही क्षेत्र में चल रहे नरेगा कार्यस्थलों पर जाकर पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी ने आज नारदरा, कैलाशनगर, मनादर आदि गांवों में चल रहे नरेगा कार्य पर जाकर श्रमिकों से रूबरू होकर उनकी समस्या भी सुनी। न
नारादरा के गिरोही नाड़ी पर कार्यरत श्रमिकों ने पूर्व जिला अध्यक्ष से कार्यस्थल पर पानी की समस्या के बारे में बताने पर लोमाराम चौधरी ने संबंधित अधिकारियों से बात कर जल्द पानी के लिए टैंकर से समस्या हल करवाने का निर्देश भी दिया। वहीं मनादर के रोडेला रोड पर चल रहे कार्य पर श्रमिकों से पहले घर जाकर श्रमिकों रोक कर जब पूर्व जिला अध्यक्ष ने जानकारी चाही तो मेट ने बताया कि मेरे ससुर बीमार होने से घर जाना जरूरी है। सिरोही के विधायक सेमलोडा ने शनिवार को कालानद्री उप तहसील के ग्राम पंचायत फुंगनी के नुनू गांव में मनरेगा योजना में चल रहे सांगेश्वर महादेव मंदिर के पास ग्रेवल सड़क के कार्य का निरीक्षण किया व श्रमिकों से रूबरू होकर उनकी बातें भी सुनी। विधायक लोडा ने श्रमिकों से कहा कि मनरेगा का नियोजन टाइम बेस नौकर टास्क बेस है, यदि वो अपना दिया हुआ टास्क पूरा कर लेते हैं तो सुबह 10 बजे भी घर लौट सकते हैं, 1 बजे तक रुकना कोई जरूरी नहीं। बाड़मेर में बालोतरा में बेकाबू होकर पलटी कार, डिवाइडर में रेलिंग तोड़कर तेज रफ्तार से कार पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। नेशनल हाईवे 96 पर माझीवाला के पास यह हादसा हुआ। बसों के किराए को लेकर यूपी के सीएम योगी के आरोपों पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि यूपी सरकार ने जानबूझकर बसों का बिल भेजा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत ने कहा कि 36 लाख रुपए की बात केवल यूपी सरकार कर रही है, किसी भी अन्य प्रदेश ने पैसों की बात नहीं की। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उन्होंने राजस्थान परिवहन की 17 बसें ली थी। योगी ने कहा था कि राजस्थान सरकार ने इन बसों से बच्चों को केवल यूपी बॉर्डर तक छोड़ने में सहयोग किया। कोरोना के कारण राजस्थान में करीब 2.5 माह पूर्व 18 मार्च से बंद किए गए पर्यटक स्थल अब 1 जून से लॉकडाउन 5 में खोले जाएंगे। पुरातत्व व संग्रहालय विभाग ने राजस्थान में सभी स्मारक व पर्यटन स्थलों को कोरोना गाइडलाइंस की शर्त के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए। राजस्थान सरकार के अधीन सभी स्मारक, महल, किले, म्यूजियम और अन्य पर्यटन स्थल 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। पहले 2 हफ्ते तक सभी जगह पर्यटकों को मुफ्त एंट्री भी दी जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। लॉकडाउन 5.0 के आने वाले बाद अब राजस्थान में भी संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में लॉकडाउन से छूट मिलना तय है। हालांकि रात को आने जाने की पाबंदी जारी रहेगी, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की पाबंदी जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।